नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। स्टोन आज के समय में किसी को भी हो सकता है। हमारे खान पान में की गई छोटी छोटी गलतियां आपको इसका शिकार बना सकती हैं। इसका इतना इलाज आसान नहीं है। स्टोन के साइज के हिसाब से डॉक्टर्स इसका इलाज करते हैं। कई बार दवाइयों की मदद से ही इनको निकाल दिया जाता है, तो वहीं कुछ केस में छोटा सा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे हर कोई हैरान है। एक 56 साल के मरीज का ऑपरेशन करके उसके अंदर से 2 शीशे स्टोन को निकाला गया। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। करीम नगर के रहने वाले 75 साल के एक किसान के गुर्दे में डॉक्टरों को 300 पत्थरें मिली है। पत्थरों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए इसे जानकर हर कोई हैरान था। एमराम रेड्डी पिछले कुछ महीनों से अपनी पीठ और साइड में गंभीर दर्द से जूझ रहे थे। जब उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा कि उनके दाहिने गुर्दे में 7 सेंटीमीटर से बड़े आकार की पथरी है। आमतौर पर लोगों में 7 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर आकार की पथरी पाई जाती है, लेकिन 7 सेंटीमीटर की पथरी वाकई बड़ी बात थी और इससे रोगी को दर्द भी असहनीय होता था। मरीज की ज्यादा उम्र होने के साथ ही वो कई तरह की बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दर्द से जुड़ी बीमारियों से भी ग्रसित थे। इन सभी चीजों के इन केस को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया था। हालांकि डॉक्टर मल्लिकार्जुन सी के नेतृत्व में टीम ने अच्छा काम करते हुए सभी सावधानियां बरतते हुए लेजर तकनीक से सर्जरी की और पथरी को बाहर निकाल दिया। 7 सेंटीमीटर से ज्यादा की पथरी को निकालने के लिए 5 मिलीमीटर आकार का एक चीरा लगाया गया और उसी से पथरी को निकाल दिया गया। यह ऑपरेशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन डॉक्टर ने इस सर्जरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम पर पहुंचाया। सर्जरी के दूसरे दिन मरीज को छुट्टी दे दी गई थी। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसी तमाम जानकारियां, तमाम खबरें हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं रही इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।